दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार अपने कुमार टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में कंप्यूटर के बेसिक जानकारी दी थी, तो दोस्तों अभी मैं कंप्यूटर के रनिंग फॉल्ट्स के बारे में बताऊँगा। चलते चलते हमारे कंप्यूटर में कुछ रनिंग फॉल्ट आ जाते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हमारा कंप्यूटर ऑफ़ होना शुरू कर देता है या फिर शट डाउन होना शुरू कर देता है, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है और हमें जानकारी ना होने के कारण हम अपना कंप्यूटर रिपेयर शॉप में ले जाते हैं, जहाँ पर मैकेनिक हमसे मनचाहे पैसे ले लेता है। लेकिन यह फॉल्ट बहुत ही आसान फॉल्ट होते हैं जिसको हम घर में भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी तरह के कुछ फॉल्ट्स बताऊँगा और उनका सॉल्यूशन भी बताऊँगा आपको। दोस्तों हमारा पहला रनिंग फॉल्ट होता है कि हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं लेकिन हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम हमें हमारी पावर सप्लाई की वजह से आता है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और सीपीयू के अंदर लगी होती है, जो एक एसएमपीएस होती है जो कि आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रही है। यह एक एसएमपीएस है दोस्तों, इसके कुछ कनेक्टर हैं जो कि हम कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसों में कनेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यह एक एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं इसको। दोस्तों ये डिफरेंट टाइप के वोल्टेज बना के देती है जो कि सिस्टम में काम होता है, जैसे 12 वोल्ट देता है, प्लस 5 वोल्ट, माइनस 5 वोल्ट और 24 वोल्ट यह सिस्टम को बना के देता है। तो दोस्तों इसमें ये कुछ फिल्टर कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। अगर हमारा सप्लाई ऑन नहीं होगा तो हमारा सिस्टम ऑन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पावर मिलता नहीं है दोस्तों। तो यह फॉल्ट हमारा पावर सप्लाई की वजह से आता है। पावर सप्लाई में कई तरह के सिस्टम होते हैं, कई तरह के सेक्शन होते हैं जिसमें यह फॉल्ट आने से हमारा पावर सप्लाई रुक जाता है। तो इसको हम घर में भी रिपेयर कर सकते हैं और अधिकतर इसे हम शॉप पर ही रिपेयर कराना ठीक है दोस्तों, क्योंकि पावर सप्लाई आजकल 400-500 रुपए में रेडीमेड आ जाता है दोस्तों। तो हम इसे नया पावर सप्लाई लगा के भी इस फॉल्ट को कैरेट आउट कर सकते हैं, या फिर हमें पावर सप्लाई अपना चेक करना होता है तो दोस्तों इस तरह का जो सॉकेट होता है इसमें एक ग्रीन और ब्लैक वायर होता है। हम पावर सप्लाई को अपने सीपीयू में से निकाल कर इन दोनों टर्मिनल को वायर को अगर शॉर्ट करते हैं तो हमारा पावर सप्लाई ऑन होना चाहिए, अगर नहीं ऑन होता है तो हमारा पावर सप्लाई ख़राब है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का रनिंग फॉल्ट हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, ये दो कनेक्टर की वजह से भी आता है। जो हमारा स्विच लगा होता है आगे ऑन ऑफ स्विच होता है दोस्तों, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो ये हमारा मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है, दो टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट रहता है दोस्तों, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अगर इन टर्मिनल में हमारा कंप्यूटर जैसे काफ़ी दिनों तक यूज़ नहीं हुआ तो इसमें मॉइस्चर जमा हो जाता है, ये ठीक से इसका कनेक्टिविटी नहीं बनता, इसके वजह से भी हमारा सिस्टम कभी कभी ऑन नहीं होता। तो इसको एक बार दोबारा निकाल के लगाने से, साफ करने से हमारा सिस्टम काम करने लगता है दोस्तों। तो इस फॉल्ट को दोस्तों हम अपने घर पर ही कैरेट आउट कर सकते हैं। दोस्तों अगला रनिंग फॉल्ट होता है कि हमारा सिस्टम हम ऑन करते हैं, हमारा इस सिस्टम ऑन होता है लेकिन हमारी स्क्रीन नहीं आती। तो दोस्तों यह भी एक रनिंग फॉल्ट है, इसको भी हम अपने घर पर ही बैठ के कैरेट आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉल्ट हमें हमारी रैम की वजह से आता है। हमारे सिस्टम में एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रही है, ये एक फ्लैट कलर के ये जो स्लॉट है उसके अंदर लगी होती है। इसके दोनों तरफ लॉक रहते हैं, इनको लॉकों को हम हाथ से ओपन करने से ही अपने आप दोस्तों ऊपर की तरफ उठ जाती है। देखिए दोस्तों अपने आप ऊपर उठ जाती है। तो दोस्तों इसके जो नीचे के पिन होते हैं, जो कनेक्टर होते हैं, इनमें भी दोस्तों मॉइस्चर जमने से या फिर डस्टिंग होने से हमारा सिस्टम ऑन होता है लेकिन हमारे सिस्टम में स्क्रीन नहीं आता, हमारा मॉनिटर को सिग्नल नहीं मिलता तो स्क्रीन नहीं आता। तो दोस्तों हम इसको अपने घर पर ही कैरेट आउट कर सकते हैं। इसको हम हमारे घर में इरेजर होता है जो पेंसिल से मिटाते हैं, तो दोस्तों इसके टर्मिनल को हम इरेजर से साफ कर देते हैं। टर्मिनल को साफ करने से इनमें जो रस्टिंग वगैरह होती है, मॉइस्चर होता है, वो निकल जाता है और इसको हम दोबारा लगा दें। देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसको इसके टर्मिनल को साफ करते हैं। साफ करने के बाद दोस्तों हम इसको दोबारा लगाते हैं तो हमारा इस तरह का फॉल्ट कैरेट आउट हो जाता है और हमारा सिस्टम रन करने लगता है दोस्तों, और हमारा स्क्रीन भी आने लगता है। देखिए दोस्तों हम किस तरह से साफ़ करते हैं, इसको दोनों तरफ से साफ़ करना है हमने,
रेजर से, इससे इसके मॉइस्चर जो भी जमा होता है या रेस्टिंग होती है वो निकल जाती है। दोस्तों हमें अपने सिस्टम को दो एक या दो महीने के अंदर इसको ब्लोअर से इसका रेस्टिंग निकाल लेना चाहिए। एक बार ब्लोअर लगाने से इसके अंदर जितना भी धूल वगैरह, क्योंकि सिस्टम हमारा चलता रहता है और इसके अंदर फैन भी लगा होता है जो कूलिंग के लिए होता है, वो हवा अंदर को खींचता है, तो काफ़ी सारी धूल हमारी जमा हो जाती है उसमें, जिसको हमें महीने में एक दो बार निकाल लेना चाहिए। दोस्तों अगला जो रनिंग फॉल्ट होता है उसमें दोस्तों हमारा सिस्टम जो चलते चलते रीसेट हो जाता है, दोस्तों शटडाउन हो जाएगा और दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक समस्या है दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमें पावर सप्लाई की वजह से ही आती है, क्योंकि हमारे पावर सप्लाई में दो कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि इसके अंदर दो कैपेसिटर बड़े बड़े लगे होते हैं, हाई पावर के कैपेसिटर होते हैं दोस्तों। इनके लीक होने से, देखिए दोस्तों आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इनके लीक होने से या ख़राब होने से भी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा पावर कट हो जाता है, पावर सप्लाई पावर देना बंद कर देती है, जिससे हमारा सिस्टम रीसेट हो जाता है और दोबारा से ऑन होता है। दोस्तों इन कैपेसिटर के ख़राब होने की वजह से भी हमारा सिस्टम रीसेट होता है, तो हमें इन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए, हमें पावर सप्लाई चेंज कर लेना चाहिए। दोस्तों हमारा प्रोसेसर की वजह से भी कभी कभी हमारा सिस्टम रीसेट होता है। दोस्तों हमारा प्रोसेसर काम करता है तो काम करते करते इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है और ये गर्म हो जाता है, तो दोस्तों इसके कूलिंग के लिए हम ऊपर से इसके फ़ैन लगाते हैं जो हमेशा चलता रहता है और इसको ठंडा करके रखता है। तो दोस्तों कभी कभी ये फ़ैन ख़राब होने की वजह से भी हमारा सिस्टम रीसेट हो जाता है, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिलती और हमारा प्रोसेसर गर्म हो जाता है और वह ट्रिप हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए जो इसके कनेक्टर हैं दोस्तों, देखिए ये एक 24 वोल्ट का एक कनेक्टर है जो कि फैन को सप्लाई देता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा सप्लाई नहीं आने से या फिर लूज कनेक्शन होने से भी हमारा फ़ैन रुक जाता है, जिससे हमारा प्रोसेसर हीट होने लगता है, उसको कूलिंग नहीं मिलता है, इस वजह से भी दोस्तों हमारा सिस्टम रीसेट होता है। तो ये फॉल्ट भी हम अपने जानकारी होने से हम अपने घर पर ही अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हमारा हार्ड ड्राइव जो कंप्यूटर में लगा होता है, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, यह एक मेमोरी होती है दोस्तों, एक बड़े साइज़ की मेमोरी होती है, इसके अंदर भी खराबी आने से भी हमारा सिस्टम कभी कभी रीसेट होता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सारा कुछ लोड रहता है। तो दोस्तों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तो हार्ड डिस्क खराब होने से भी दोस्तों हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर हार्ड डिस्क आपकी ख़राब है तो हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं दोस्तों, इसमें हल्का सा आवाज़ सुनाई देता है, कट कट करके आवाज़ आता है, तो इसका मतलब हमारा हार्ड डिस्क खराब हो गया दोस्तों। तो इसके ख़राब होने से भी हमारा कंप्यूटर रीसेट होता है और ऑन नहीं होता दोस्तों, और प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो हम अपना हार्ड डिस्क चेंज करने से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने से, दोस्तों कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने से भी हमारा सिस्टम इस तरह की प्रॉब्लम में आ जाता है और वो रीस्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या तो ओवरडेटेड हो जाता है या फिर विंडो ओवरडेटेड हो जाती है या फिर करप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है दोस्तों। तो हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा रीलोड करते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम दोस्तों दूर हो जाती है। दोस्तों एक नया रनिंग फॉल्ट और भी होता है दोस्तों, कि हमारे जो मॉनिटर होता है उसमें कलर फेड होने लगता है, जो कलर हमारा मॉनिटर का होता है दोस्तों, मॉनिटर में लाइनिंग आने लगती है, जैसे ग्रीन लाइन, रेड लाइन, हल्की हल्की बारीक बारीक लाइनें आने लगती हैं और हमारा कलर फेड होने लगता है। तो वो दोस्तों इस कनेक्टर की वजह से होता है, ये VGA कनेक्टर है दोस्तों, अगर हम इसको प्रॉपर नहीं लगाएंगे या लूज़ होगा या फिर ठीक से अर्थिंग नहीं मिलेगा तो हमारा दोस्तों इस तरह की समस्या आती है। इसमें दो नट दिए होते हैं, इसको हमें प्रॉपर टाइट करना होता है दोस्तों, अगर हम इसको प्रॉपर टाइट नहीं करेंगे तो इस तरह की समस्या का सामना करना। तो दोस्तों अगर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इस तरह के रनिंग फॉल्टों के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई कंप्यूटर की जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी और आप कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी समस्याएं मैंने बताई उनका निराकरण भी आप अपने आप कर सकेंगे, अपने घर पर कर सकेंगे, इससे आपका मनी का वेस्टेज कम होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई कंप्यूटर की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी,
प्लीज़ कमेंट करके बताएं दोस्तों मेरे इस चैनल को, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं अगला वीडियो और इससे रोचक लाऊंगा, जिससे आप लोगों का और भी जानकारी बढ़े और नॉलेज बढ़े आप लोगों का। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।